2022 विधानसभा चुनाव के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में लगातार जुटे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते चौबट्टा खाल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी ने भी प्रचार के अंतिम दिन अपना शक्ति प्रदर्शन सतपुली बाजार में दिखाया, जिसके बाद मोहन नेगी ने सतपुली बाजार में डोर टू डोर कैंपेनिंग की और सभी से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। पौड़ी से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। निश्चित तौर पे 5 साल पहले डबल इंजन की बात करने वाली भाजपा के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है, काम उन्होंने कुछ नहीं करा। इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सतपुली में झील बनने वाली थी, आज झील के नाम पे झा नहीं है। यहाँ भैरवगढ़ी में रोपवे लगने वाला था, वो कहीं नहीं है। सीयूसी की झील, दीवा का रोपवे, सब जुमले रहे, कोई भी काम न चौबट्टा खाल की विधानसभा में हुआ है और न ही पूरे प्रदेश में हुआ है। विगत 1.5 वर्षों में लगभग 550 गाँव में घूमा हूँ और जहाँ भी मैंने देखा है मातृशक्ति और युवाओं में खासा आक्रोश है, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। उनको बच्चों के लिए स्कूल अच्छी चाहिए, उनको अपने लिए अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए और युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। और इन तीनों मोर्चों पर भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की, 21 साल में 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल भाजपा, दोनों ही विफल रही है।